अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैथ्स का जो आईआईटी का पेपर है उसके अंदर उसको क्रैक करना बहुत इजी है, क्योंकि दो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे इतने भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप केवल वो पर्टिकुलर टॉपिक कर लें तो मैथ्स का कट ऑफ निकल जाएगा। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसका टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन इसके अंदर खुद 8 अलग अलग चैप्टर है। इट कंटेन्स, कैलकुलस की शीट नहीं मिलती ना, उसके अंदर टॉपिक होते हैं, तो ऐसे एओडी की कोई शीट नहीं होगी, उसके अंदर चैप्टर की शीट होगी। लेकिन एओडी की खास बात यह है कि जब से आईआईटी जेई का पेपर शुरू हुआ है तब से लेकर पिछले साल तक आईआईटी के जितने भी पेपर हुए, आप कोई भी पेपर रैंडमली उठा लो, कोई भी 1/3 पेपर यानी 33% ऑफ द पेपर इज डायरेक्टली फ्रॉम एओडी। अगर आप केवल 8 टॉपिक, मान लो किसी बच्चों को लगता है कि यार सर मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक, मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, लेकिन मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो सर ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए कि मैथ्स का काम बन जाए, तो मैं बोलूंगा बेटा सब कुछ छोड़ दे। तो साल भर में ये एओडी का टॉपिक ज्यादा टाइम नहीं लेता, 15-20 दिन लेता है, तुम साल भर में 10 बार इसी टॉपिक को कर लो, तुम्हारा मैथ्स का कट ऑफ 200% निकलेगा, क्योंकि कट ऑफ केवल 12-13% ही होता है, एंड 1/3 ऑफ द पेपर इज डायरेक्टली फ्रॉम एओडी। इट्स सो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर ये टॉपिक ठीक नहीं हुए ना तो 1/3 पेपर छूट जाएगा, तो 2/3 से काम चलाना पड़ेगा। और पॉजिटिव वे देखो कि अगर ये हमारा एओडी अच्छा हो गया तो इसका मतलब तय हो गया भाई साहब कि अगर मान लो गलती से सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी ये होगा कि मैथ्स का कट ऑफ तो निकला ही निकला है, क्योंकि हमने एओडी तो अच्छे से कर लिया है, तो हमको ये टॉपिक बहुत ढंग से पढ़ना है। अब हेडिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव क्या है, डीवाई बाई डीएक्स। हमने डीवाई बाई डीएक्स पढ़ लिया भाई, डेरिवेबिलिटी पढ़ ली, कब होगा डेरिवेबल, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया, कब कब होगा डेरिवेबल, कैसे निकलेगा डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, लेकिन जो डेरिवेटिव निकल के आएगा उसको हम रियल लाइफ में कैसे कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, उस डेरिवेटिव के एप्लीकेशन के बारे में है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेट मेजर। रेट मेजर के बाद हम लोग पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। ये 4 चैप्टर की आपको एक ही शीट मिलेगी जिसकी हेडिंग होगी टेंजेंट एंड नॉर्मल। मतलब बच्चे बैठ के हर एक की शीट मांगने लग जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी के बाद पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ क्यूबिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्व स्केचिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी प्रूविंग। इस सब की आपको एक शीट मिलेगी जिसकी हेडिंग होगी मोनोटोनिसिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल एप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड लास्ट में मिशलेनियस एप्लीकेशन। इनकी आपको एक आखिरी शीट मिलेगी मैक्सिमा एंड मिनिमा, और हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ओवर। सो लॉट्स ऑफ चीजें पढ़ेंगे, टेंजेंट, नॉर्मल, एंगल, इंटरसेक्शन, रेट मेजर, अप्रोक्सीमेशन, मीन वैल्यू थ्योरम, क्यूबिक एनालिसिस, कर्व स्केचिंग, सेकंड ऑर्डर, इनइक्वालिटी प्रूविंग, मैक्सिमम स्पेशल एप्लीकेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मिशलेनियस एप्लीकेशन। 3 शीटों में पूरा जाके कवर हो जाता है इस प्रकार से। तो देखा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 टॉपिक है, छोटे कुछ बड़े, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। 3 शीट्स विल बी गिवन और तीनों शीट मिलके पूरा पूरा कवर करेगी। ये सारी चीजें कुछ नहीं है, जो डेरिवेटिव निकालना आपने सीख लिया उस डेरिवेटिव का रियल लाइफ में या मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन। क्या बात क्लियर है बच्चों को, कॉपी कर लीजिए। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे पहली चीज अपन पढ़ते हैं
टेंजेंट एंड नॉर्मल। सब बच्चे बोर्ड पर देखें, क्या बोलूं, पहले ही पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। कोई भी कर्व अगर गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स और कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है x1 y1, ध्यान दें, कोई भी कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स और कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है x1 y1। अब भाई कर्व है तो मेरी इच्छा उमड़ रही है कि गुरुजी x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी और x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो जब आपको डेरिवेबिलिटी पढ़ा रहे थे तभी बता दिया था कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और जब दोनों बराबर होते हैं तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, डेरिवेबल, डेरिवेबल LHD RHD। और उसकी उस केस में हम इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव ना कहकर केवल कहते हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यार टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए, लाइन पर एक पॉइंट और लाइन का स्लोप। अब सोचो ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत बड़ा है, लाइन पर अगर पॉइंट पता, लाइन का स्लोप पता, तो लाइन की इक्वेशन पता। तो पॉइंट तो है x1 y1, क्योंकि मैं बोल ही रहा हूं कि यार x1 y1 पर टेंजेंट निकाल, x1 y1 पर नॉर्मल निकाल, स्लोप निकाल लो। तो भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी dy by dx at, इस डंडी को पढ़ते हैं at, कहां पर, x1 y1, यानी कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और पॉइंट को रख देंगे। क्या टेंजेंट की स्लोप पता, तो भाई आपको नॉर्मल की स्लोप पता, कितनी, -1/ स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब स्लोप पता हो तो काहे बात करो ना, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बहुत लल्लू है टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना, बहुत ज्यादा इजी है, इसीलिए इसको प्ले ग्रुप के सिलेबस से हटा दिया गया है, बहुत इजी। कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, जिस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए उसको रख दो, डेरिवेटिव आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। अगर आपको टेंजेंट की स्लोप पता तो नॉर्मल की स्लोप पता, दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो m1 into m2 कितना होता है, -1। स्लोप पता, पॉइंट पता, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन पता, थ्योरी खत्म, क्वेश्चन करेंगे, कॉपी कर लो। ये जो छोटी सी थ्योरी अपन ने पढ़ी इस चैप्टर में, अगर थ्योरी देखा जाए तो थ्योरी के क्रक्स में इतना ही है, लेकिन अपन उस पर अभी डेवलप करेंगे और भी बातें आएंगी। इस छोटी सी थ्योरी पर बेस्ड, ये छोटी सी थ्योरी जो आपने पढ़ ली है, इस छोटी सी थ्योरी पर बेस्ड छह प्रकार के सवाल बनते हैं। कितने प्रकार के, छह प्रकार के, एक एक करके अपन करते आएंगे और लॉजिक धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। टाइप वन, सबसे इजी टाइप का सवाल क्या बनेगा, कर्व भी दे दें, कर्व के ऊपर पॉइंट भी दे दें और बोले टेंजेंट नॉर्मल निकाल दो। पहले प्रकार का सवाल है, बोर्ड पर देखें, कर्व गिवन एंड पॉइंट ऑन कर्व गिवन, कर्व भी गिवन है और पॉइंट ऑन कर्व गिवन है, टू फाइंड टेंजेंट और नॉर्मल। अगर कर्व भी दे दिया गया, कर्व के ऊपर पॉइंट भी दे दिया गया, टेंजेंट नॉर्मल निकालिए, इसमें कोई खास बात नहीं होती है। आइए दो तीन क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड टेंजेंट एट 1,1 ऑन कर्व x रेज पावर 2/3 y रेज पावर 2/3 इक्वल टू 2। ठीक है भैया, पहले चेक कर लो 1,1 कर्व के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है कर्व के ऊपर लाई। भाई कर्व के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, इसको चेक कर लिया करो हमेशा, क्यों, क्योंकि कर्व के ऊपर पॉइंट होगा तभी तो वहां टेंजेंट नॉर्मल खींचोगे। तो 1,1 पर भाई टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल भी चाहो तो निकाल सकते, खास बात नहीं। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बोर्ड पर देखिए, इसको सीधे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तो 2/3 x की पावर -1/3 बोलो हाँ, प्लस 2/3 y की पावर -1/3 इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। क्लियरली जो डेरिवेटिव वाई डैश निकल के आ गया वह आ गया -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3, लेकिन आपको टेंजेंट कहां चाहिए, 1,1 पे, तो एट 1,1। आमतौर पर जो कर्व की इक्वेशन होगी ना वो x और y में खिचड़ी ही होगी, शुद्ध वाई एक्स के टर्म में नहीं दे रखा होगा, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कर्व की इक्वेशन एक्स और वाई में खिचड़ी है तो डेरिवेटिव भी एक्स और वाई में खिचड़ी निकल के आएगा। खैर आपको पॉइंट का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पता है, क्लियरली डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, -1। जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो सीधी देती है स्लोप ऑफ टेंजेंट,
सिंपल है। तो पॉइंट क्या 1.1, स्लोप क्या -1, तो टेंजेंट की इक्वेशन y-1 = -1 × x-1। अब हर जगह मैं नॉर्मल निकाल के नहीं बताऊंगा, लेकिन समझ जाइए टेंजेंट निकल गई तो नॉर्मल भी निकल गई यार। नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा -1/tangent का स्लोप। इसके अंदर क्वेश्चन में थोड़ी गंदगी मचा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर सकते हैं, बाय गिविंग डर्टी कर्व। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y = |ln|x एट x = -1। अब एकलौती चीज पॉइंट भी दे दिया आपको, कर्व भी दे दिया, कुछ बचा ही नहीं। डिफरेंशिएट करो, पॉइंट रखो, स्लोप आ गया। तो इसके अंदर डिफिकल्टी कैसे क्रिएट की जा सकती है, बर्बाद बर्बाद कर दे दो। अच्छा यहां पर केवल x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट खुद से निकाल सकते हैं कैसे। अरे x को रख दो, कर्व की इक्वेशन पता ही है। चलो निकालते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट -1 है तो y कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा, ये तो ln½ हो जाएगा, तो ln2 आ जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। मुझे उम्मीद है लॉग की कैलकुलेशन कर ले, खास बात नहीं है, या क्या y कोऑर्डिनेट जरूरत नहीं। चलो अच्छा आप मॉडुलस कोई भी पीस वाइज फंक्शन अगर होगा तो उसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, पहले डिफाइन होगा फिर डिफरेंशिएट होगा। अच्छा पहले भी बताया है, चाहे लिमिट निकालनी हो, चाहे कंटिन्यूटी की बात हो, चाहे डेरिवेबिलिटी की बात हो, चाहे डिफरेंशिएशन की बात हो, चाहे इंटीग्रेशन की बात हो, कोई भी कैलकुलस का ऑपरेशन पीस वाइज फंक्शन पर लगाया ही नहीं जा सकता। पहले आप डिफाइन करके पीस वाइज फंक्शन को हटाएंगे, तब लिमिट की, कंटिन्यूटी की, डेरिवेबिलिटी की, डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की बात होगी, तब डिफाइन करें। -1 के आसपास डिफाइन करो। अगर x खुद नेगेटिव है तो अंदर वाला मॉड कैसे खुलेगा, -x, बोलो हाँ। अब लॉग का बेस e 1 से बड़ा और लॉग का नंबर 1 से छोटा, लॉग का बेस 1 से बड़ा, लॉग का नंबर 1 से छोटा, तो पूरा लॉग नेगेटिव, तो आगे एक और माइनस साइन लग जाए। पहले मॉड को डिफाइन करा, ये बहुत बार बता चुके हैं, एक बार फिर सुन लो भैया। इनपुट x खुद नेगेटिव है तो मॉड x क्या खुलेगा, -x। अब तुम हाफ -1 रखोगे तो ln को क्या मिलेगा, हाफ। -1 का मॉड उसका नंबर है तो हाफ मिल गया। लॉग का बेस e है 1 से बड़ा है, लॉग का नंबर हाफ है 1 से छोटा है, तो बेस और नंबर अगर 1 के अपोजिट साइड रहेगा तो लॉग की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और लॉग की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये मॉड अपना काम करेगा, माइनस। ये पहले हमने कर लिया फंक्शन को डिफाइन, क्लियर से बच्चों को। फिर दोहरा देता हूं, कोई भी पीस वाइज फंक्शन दिख जाए तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, लिमिट सब बाद की बात है, पहले आप पीस वाइज को हटाइए। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए भाई साहब, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1/-x × -1, तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -1/x। -(ln₂), तो y नहीं है तो x को -1 रख दो, तो y डैश कितना आ गया, 2। स्लोप पता, जो y डैश है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है, पॉइंट पता ही है, तो टेंजेंट में क्या मिल जाएगी, y-ln₂ = 2 × x+½। खत्म, कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब इसके अंदर देखो टाइप 1 का क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी है, कर्व और पॉइंट दोनों गिवन है। इसके अंदर ज्यादा ज्यादा बच्चों को आप डिफिकल्टी अगर करवाना चाहते हो तो कर्व की क्वेश्चन गंदी दे दो बस, ताकि उसको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत हो, बाकी और कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन कहता है, फाइंड नॉर्मल टू y = 1 − x^y + sin−1 ऑफ sin²x @x = 0। चल x = 0 पर इस खतरनाक कर्व की नॉर्मल निकालनी है, कोई बात नहीं भैया। सबसे पहला काम करेंगे, अगर x 0 है तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x को 0 रख दें, sin², 0, 0, sin−1, 0, 0, x को 0 रख दें तो 1 की पावर y 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x 0 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया करें, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, y′ = यहां पर बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, पावर और लगेगा, ओरिजिनल फंक्शन इंटू पावर का डेरिवेटिव ln base + power upon base × base का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन इनवर्स का भाई साहब 1/√(1−sin²x) × sin²x का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने लग जाते हैं, काहे को सिंप्लीफाई कर रहे हो, सीधे रखो एट 0,1,
पॉइंट रखने से फायदा होता है, बहुत सारी चीजें जीरो चली जाएंगी। जैसे आप एक्स को जीरो का मान रखोगे यहां वाई डैश बचेगा, यहां पर एक्स को जीरो रख दोगे तो वन की पावर वाई वन ही हो जाएगा, यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो एल एन वन ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहां एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे वन हो जाएगा, और वन रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू सिर्फ माइनस वन आएगी, और यहां साइन जीरो जीरो ये भी गायब हो जाएगा, सिर्फ वाई डैश माइनस वन। तो डोंट वेस्ट टाइम इन कलेक्टिंग वाई डैश, यानी कि पहले वाई डैश कलेक्ट कर रहे फिर रखना, नहीं आपको तो जीरो का वन रखना है, जहां जहां एक्स दिख रहा है जीरो रख दो, जहां जहां वाई दिख रहा है वन रख दो, तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। क्या बात समझ में आई? आमतौर पर ऐसे बर्बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद डायरेक्टली पुट द वैल्यू जीरो एंड वन, डायरेक्टली पुट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, डोंट ट्राई टू कलेक्ट वाई डैश। तो डेरिवेटिव पता लग गया, जो डेरिवेटिव है वो टेंजेंट की स्लोप है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है नॉर्मल, तो क्लियरली नॉर्मल की स्लोप कितनी आ जाएगी वन, नॉर्मल की स्लोप वन, पॉइंट क्या जीरो कॉमा वन, तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन इंटू एक्स माइनस जीरो, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये देखिए इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन फाइंड टेंजेंट टू एक्स इक्वल टू 2at स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at क्यूब होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एट t इक्वल टू हाफ। पैरामेट्रिक दे दिया भाई, पैरामेट्रिक दे दिया उसने, कोई में खास बात नहीं है, अलग अलग तरीके, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी संभव नहीं है तो तरह तरह से कर्व को गंदा बना देते हैं। तो t की वैल्यू हाफ दे रखी है तो पहले क्यों ना पॉइंट निकाल लें, t को हाफ रख दें, तो t को हाफ रख दें तो ऊपर कितना हो जाएगा a बाई टू न्यूमरेटर में आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई फोर, तो यह आ जाएगा 5 बाई फोर, तो 2a बाई फाइव, एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, y कोऑर्डिनेट पर आ जाइए 2at क्यूब, तो हाफ रख देंगे तो ऊपर आ जाएगा a बाई फोर, और नीचे हमारे पास 1 प्लस 1 बाई फोर, तो यह आ जाएगा a बाई फाइव। पॉइंट पता लग गया, पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा। अब dy बाई dx कैसे निकालेंगे, कोई खास बात नहीं है, ये निकलेगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अरे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बताया हुआ है, y भी t का फंक्शन है x भी t का फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर देना, अब वो फालतू टाइम नहीं पास कर रहा मैं, एंड एट t इक्वल टू हाफ, और जो डेरिवेटिव आएगा यही क्या दे देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप पता निकाल लेंगे, मेरे ख्याल से t हाफ रखे कोई खास बात नहीं, स्लोप पता पॉइंट पता, तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस ए बाई फाइव इज इक्वल टू एम ऑफ टी इंटू एक्स माइनस टू ए बाई फाइव, कॉपी कर लीजिए। टाइप वन के क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, लेकिन सोचो छह प्रकार के सवाल बन सकते हैं। आइए बात करें टाइप टू के क्वेश्चन की, टाइप टू की बात करते हैं। टाइप टू में क्या होता है, कर्व गिवन एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल गिवन, कर्व दिया गया है और टेंजेंट या नॉर्मल की स्लोप दे दी गई है। ये अलग अलग प्रकार से टेंजेंट नॉर्मल पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी। अब सोचो अगर आपको टेंजेंट की स्लोप दे दें तो स्लोप तो पता ही लग गई, और dy बाई dx को स्लोप के बराबर कर दो, पॉइंट पता लग गया। अगर नॉर्मल की स्लोप दे दें तो नॉर्मल से टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, और फिर dy बाई dx को स्लोप के बराबर कर देंगे। और एक क्वेश्चन करके बताते हैं, क्वेश्चन कहता है फाइंड अ टेंजेंट ऑफ कर्व दिस y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री। आइए बात करें, फाइंड अ टेंजेंट ऑन द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस, अगर भैया इस कर्व की टेंजेंट इसके पैरेलल है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर हो जाएगी फोर, बोलो हाँ। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगी यानी dy by dx कितना हो जाएगा फोर, बोलो हाँ। तो डिफरेंशिएट कर दें तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री फोर के बराबर आ गया, यानी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन कितना आ गया जीरो, बोलो हाँ गुरु जी। क्वाड्रेटिक बन गई, क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या, सेवन थ्री तो ट्वेंटी वन, सेवन और थ्री, बहुत सही, ये बच्चा तो आज बादाम खा के आया है। प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो,
तो यहां से x कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 7, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे 3x प्लस 7, तो यहां से आ गया x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई या x की वैल्यू माइनस 7 बाई 3 आ गई, दो होंगे बेटे क्योंकि कर्व क्यूबिक है, खुद सोचो क्यूबिक कर्व है तो कुछ कुछ ऐसा होगा, तो कोई भी लाइन ले लें तो उसके पैरेलल आपको दो दो टेंजेंट मिल सकती है, कर्व क्यूबिक है, दो क्या तीन तीन मिल सकती है, डिपेंड करता है कितनी डिग्री है। यहां देखा अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट पता लग गया, क्या यहां से आप वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्या इसके एक्स को रख के क्या वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता तो पॉइंट पता, पॉइंट पता, स्लोप पता तो टेंजेंट की इक्वेशन पता, पॉइंट पता, स्लोप पता तो टेंजेंट की इक्वेशन, बहुत इजी। आपको जो स्लोप दी गई है ना उसको डीवाई बाई डीएक्स के बराबर करके क्या निकाल लेंगे, पॉइंट, कॉपी करो। इस स्लोप का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ओके। लेकिन इस स्लोप पर बेस्ड दो क्वेश्चन अच्छे हैं जो आईआईटी में आए थे। एक क्वेश्चन यह आया था, फाइंड ऑल टेंजेंट्स टू कर्व y इक्वल टू cos x प्लस वाई वेयर x माइनस टू पाई लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई विच आर पैरेलल टू x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। इस कर्व की वो सारी टेंजेंटे निकालनी है जहां x कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस टू पाई से टू पाई, जो कि इसके क्या हो, पैरेलल। टेंजेंट अगर इसके पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप कितना होना चाहिए, माइनस हाफ। x और y को अपोजिट साइड ले जाओ और y का कोएफिशिएंट वन कर दो, आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy / dx। आइए इसको डिफरेंशिएट करें, तो y डैश इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई इंटू वन प्लस y डैश, बोलो हाँ, तो आ जाएगा y डैश इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू y डैश। इसको इधर ले आए तो y डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस साइन x प्लस वाई होल अपॉन वन प्लस साइन x प्लस वाई, बोलो हाँ, कंपेयर कर दें, माइनस साइन x प्लस वाई होल अपॉन वन प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ। सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से साइन x प्लस वाई की वैल्यू वन आ जाती है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिख ही रहा है, वन रख दो। ऑब्वियस सी बात है, अगर साइन x प्लस वाई की वैल्यू वन है तो कॉस x प्लस वाई की वैल्यू जीरो ही होगी। अरे साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होगा, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन अगर किसी एंगल का वन है तो उस एंगल का कॉस जीरो ही होगा, और अगर कॉस जीरो है तो ऑब्वियसली वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, जीरो, ऑब्वियसली। कैसे, बिल्कुल सही समझा आपने, अरे y ही तो cos x प्लस वाई के बराबर है। अरे इक्वेशन क्या थी कर्व की, कि y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, तो when cos x प्लस वाई इज जीरो देन y इज जीरो। इस इक्वेशन को फिर से फायदा उठाएंगे, अगर y जीरो आ चुका है तो यहां से आ जाएगा sin x इक्वल टू वन, लेकिन हमें x की वैल्यू कोई लंबी चौड़ी नहीं देखनी, माइनस टू पाई से टू पाई, तो कौन कौन से एंगल का sin वन होगा, एक तो x इक्वल टू पाई बाई टू, दूसरा x इक्वल टू माइनस थ्री पाई बाई टू, इन दोनों जगह वैल्यू वन हो जाएगी। तो x कोऑर्डिनेट पता, y कोऑर्डिनेट पता, पॉइंट पता और स्लोप भी पता, आइए तो दो दो टेंजेंट आएंगी, एक आएगा y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस पाई बाई टू, और दूसरी आएगी y माइनस जीरो इज माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस थ्री पाई बाई टू, कॉपी कर लीजिए। अब सुनो से बच्चे ध्यान से, एक और ऐसा ही क्वेश्चन इस पर बेस्ड आया था आईआईटी के अंदर, क्वेश्चन कहता था शो दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए इंटू एक्स प्लस ए साइन एक्स बाई ए, शो दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस y square equal to 4a x plus a sin x by a at which tangent is parallel to x axis lie
ऑन पैराबोला. शुड ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विद टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्स. वो सारे पॉइंट इस कर्व के ऊपर के, वो सारे पॉइंट जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी डेरिवेटिव सब जगह क्या होगा? जीरो. कोई चीज, कोई लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो. तो यानी वहां पर डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए. हमको साबित करना है वो सारे पॉइंट जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो सब किसके ऊपर लाई करते हैं? पैराबोला के ऊपर. किसके ऊपर लाई करते हैं? पैराबोला के ऊपर. चलो ट्राई करते हैं भाई. जिन पॉइंट्स पर भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उन सारे पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा, बोलो हां. अगर डेरिवेटिव जीरो होगा तो यहां से डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2yy' इज इक्वल टू 4a इंटू 1 प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a cos x by a इंटू 1 by a. तो यहां से y डैश की वैल्यू आ जाएगी 2a इंटू 1 प्लस cos x by a होल अपॉन y. ये चीज जीरो होनी चाहिए. कोई चीज जीरो जा रही है यानी न्यूमरेटर जीरो जाना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो जाना चाहिए यानी इसका मतलब हो गया cos x by a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वन. तभी तो न्यूमरेटर जीरो जाएगा. ऑब्वियस, अगर cos x by a की वैल्यू माइनस वन है तो इसका मतलब sin x by a की वैल्यू जीरो है. कर्व में पुट कर दे, पुट इन कर्व. और जहां जहां sin x by a की वैल्यू जीरो होगी वहां वहां आपको मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x. Hence proved. तो ये क्या है? पैराबोला. देखो जहां जहां जो टेंजेंट होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी वहां वहां डेरिवेटिव जीरो होगा, यानी वहां वहां cos x by a माइनस वन होगा, यानी वहां वहां sin x by a जीरो होगा. और जहां जहां sin x by a अगर जीरो हो जाएगा तो पर्टिकुलर पॉइंट किस पर लाई करेगा? y square equal to 4x, जो कि है एक पैराबोला की इक्वेशन. कॉपी करिए.